अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू फ्रेश व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो भाई आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो लव बर्ड वगैरह थे ना, उन्होंने जो है वो अंडे दे दिए हैं। तो चलें आप लोगों को भी दिखाते हैं कैसे अंडे हैं, मज़ा आएगा। चलें तो भाई एक कमरे में मैं पहुँच रहा हूँ और ये देखें अभी खामोशी से जो है वो तोते बैठे हुए हैं। हम ये वाला दरवाज़ा खोलेंगे सुकून से और फिर आपको दिखाएंगे अंडे। तो भाई ये वाला दरवाज़ा खोलते हैं, ये आ गई है सारी रोशनी, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। और नर और मादी जो है वो इस तरफ बैठे हुए हैं, ये रहे। इसको वापसी से ढक देते हैं। मैंने जो है इनके पिंजरे के अंदर जो है अपना क्या बोलते हैं इसको, लूसन की गड्डी जो है वो मैंने डाल दी थी, लेकिन लूसन की गड्डी जो है बहुत ज़्यादा सूख चुकी है। तो फिर मैं इसको निकाल के अभी और नई गड्डी लगाएंगे। तो अभी फटाफट से खोल लेते हैं इस पिंजरे को और निकालते हैं इसके अंदर से ये वाली लूसन की गड्डी। तो भाई ये चेक करें, इन लोगों ने गंदगी कितनी की हुई है। अभी बेगम ने जो है पिंजरा सही तरीके से अच्छे तरीके से साफ़ किया था, तो ये वाली लूसन की गड्डी जो है ये सूख चुकी है बिल्कुल। तो हम इसको निकाल के फेंक देते हैं, ठीक है। और अभी जो है नया लूसन की गड्डी ला के इसको दोबारा इसके अंदर से डाल देंगे। तो भाई देखें ये भी जो है ना, ये दोनों अंदर बैठे हुए हैं। तो भाई हानी भी यहाँ आ चुकी है। हानी अस्सलाम वालेकुम। हानी हमारे तोते ने ना इधर किसी को बताना नहीं, आप चार अंडे दिए हैं। हाँ आराम से देखो तोड़ देगी। तो भाई हानी जो है वो बहुत एक्साइटेड है देखने के लिए और हानी देख रही है अंडे। ये चेक करें भाई, ये चेक करें बाबा। आराम से ढक दो उसको। और ये तो खेलते रहते हैं, ये जो है ना अंदर वाले रहते हैं, ये बाहर वाले ना। तो भाई ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। और हानी जो है इसको झूला भी झुलाती है। हानी यहाँ झूला कैसे झुलाती हो? झुलाती हूँ लेकिन अभी बैठते ही नहीं। आएगा अभी आएगा, आप इसको थोड़ा सा करो झूला दो ऐसे। नहीं आओ आओ आओ। तो हानी मैं आपके लिए मुर्गी भी देखो आ रहा है। ये देखो ये आ रहा है गाइस, जहाँ पे ये बैठा हुआ था ना वहाँ पर ना एक लकड़ी है, देखो ये लकड़ी है इसकी ना। तो भाई अभी जो है ना अभी आएगा ये, देखें मैं इसको जो है ना हिला रहा हूँ झूले को ताकि ये भी निकल के बाहर आएगा और इसके ऊपर जो है ना इसके ऊपर ये बैठेगा और फिर हानी जो है इसको झूला झुलाएंगी। हानी बुलाओ बुलाओ बुलाओ। तो भाई अभी जो है ना ये निकल नहीं रहा है क्योंकि सुबह ही सुबह का टाइम है ना, अभी दोपहर होगी तो ये थोड़ा सा बाहर निकलेगा। तो भाई हानी पिंजरा कितना गंदा हो रहा है, आपने साफ वाफ किया है पिंजरा? बाबा मैंने कल ही साफ करा था, ये देखिए हालत क्या हो गई। तो ये दोबारा साफ करो, इसका दाना पानी कौन देगा? फटाफट से इसको साफ करो और दाना पानी दो। तो भाई हानी जो है आज पिंजरा भी साफ कर रही है क्योंकि सुबह सुबह उठ चुके हैं हम लोग माशाल्लाह, और नाश्ता वगैरह भी कर लिया है। और हानी पिंजरा साफ कर ले, उसके बाद मैं हानी को लेके जाऊंगा शॉप के ऊपर अपनी। आज हानी के साथ हम लोग खुलवाएंगे शॉप। तो फटाफट से हानी जल्दी से जो है वो सफाई वगैरह करो उसकी पिंजरे की, उसके बाद जो है फिर चलते हैं शॉप पे, ठीक है। ये देखें भाई कितनी गंदगी की हुई है इन लोगों ने, जितना दाना ये लोग खाते नहीं है ना उससे ज्यादा फेंकते हैं ये लोग। और गाइस जब ये ना बीज खाते हैं ना टूट टूट चुट चुट आवाज आती है इनकी, और ये है हमारा दाना। ये लो भाई दाना भी डाल दो हाथ के अंदर, बल्कि ये बाद में साफ कर दूंगी, पहले दाना डाल दो। चलो जल्दी जल्दी से दाना डाल दो। तो गाइस ये चेक करें, ये जो है जिसने अंडे दिए हैं ये तो निकल ही नहीं रही है अंदर से, और ये भी तकरीबन अंदर ही चले गए। अभी हम लोग जाएंगे, अंधेरा हो जाएगा ना, तो फिर उसके बाद जो है क्या चीज ये तार। ओ तोड़ दिया हमने, मास्टर गेज में नहीं बांधा होता क्योंकि मास्टर गेज बंद था तो ये लोग बाहर नहीं निकल सकते थे, तो इसलिए अभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। बिल्ली भी आती है ताक में बैठती है यहाँ पर, ये सामने गाइस बिल्ली आके बैठ जाती है इनकी ताक में, तो इसलिए हम लोग ये वाला गेट बंद रख देते हैं। और ये मुंह से भी खोल लेते हैं, खोल लेते हैं चोंच चोंच से। चलो फटाफट से दाना डालो।
पहले इसको दाने को साफ तो करो, इतना गंदा हो रहा है। हाँ ये देखो ना कितना नीचे का, नीचे का देखो सारा इसके अंदर गंदा बाजरा है। आपने ऊपर साफ डाल दिया, अभी ऊपर वाला खा लेंगे और नीचे वाला ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर बहुत सारा दाना है, लेकिन बहुत सारा दाना नहीं है इसके अंदर। तो भाई दाने में जो है ये मिक्स दाना खाते हैं। ये देखें सूरजमुखी के बीज भी हैं इसके अंदर, ठीक है, बाजरा भी है, भुट्टे के दाने भी हैं, और ये जो क्या बोलते हैं आप लोग कमेंट्स करके बताएं इसको क्या बोलते हैं। मेरे ख्याल से ये गंदम का छिलका है या गंदम है, देखे और ये भुट्टे के दाने हैं। भुट्टे के दाने तो हाँ ये लूसन खाते हैं, लेकिन इनका लूसन सूख गया तो हम न्यू लाके इनके यहाँ पिंजरे में डालेंगे। इनको और फिर ये खाएंगे। अभी वो लूसन वाले अंकल आएंगे तो उनसे हम लूसन लेंगे। तो भाई ये थी आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो उसको कीजिएगा लाइक और दोस्तों के साथ शेयर। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह आने के बाद।